जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जिस दिन साधक के भीतर यह उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है, जिस दिन साधक के भीतर यह उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है कि परमात्मा अभी ही प्राप्त होने चाहिए, अभी 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 उसी दिन उसे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। साधक की योग्यता, अभ्यास आदि के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यह सर्वथा असंभव है। परमात्मा की प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से ही हो सकती है। आप सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार किसी भी तत्व को मानते हों, उसके बिना आपसे रहा नहीं जाए, उसके बिना चैन न पड़े। भक्तिमती मीराबाई ने कहा है, हे सखी, मुझसे हरि के बिना रहा नहीं जाता। ना सरेरी माई, हरि बिन ना सरेरी माई। तत्व की प्राप्ति के बिना दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। आप कैसे मिलें, हे प्रभु, आप कैसे मिलें, क्या करूं? हृदय में क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ रही है। उसे छोड़कर और कुछ सुहाता नहीं। संतों ने भी कहा है, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात। ये विषय भोग आदि पांचों चीजें जिस दिन सुहाएंगी नहीं, अपितु कड़वी अर्थात बुरी लगेंगी, भगवान का वियोग सहा नहीं जाएगा, उसी दिन प्रभु मिल जाएंगे। अगर घर में कोई आदमी भूखा हो तो आप उसको दाल भात हलवा पूरी आदि कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, पर भूख नहीं दे सकते। भूख तो उसकी खुद की चाहिए। इसी तरह उत्कट अभिलाषा खुद की होनी चाहिए। उत्कट अभिलाषा होने पर भगवत प्राप्ति में देरी का कारण ही नहीं है। आप देखने को तैयार और भगवान दिखने को तैयार, फिर देरी का कारण क्या है? बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है कि क्रियाओं के द्वारा भगवान पर कब्जा नहीं कर सकते। कितनी ही योग्यता प्राप्त कर लो, उन पर अधिकार नहीं जमा सकते। कारण कि इनके द्वारा अधिकार उसी पर होता है जो इनमें इनसे कमजोर होता है। 100 रुपयों के द्वारा हम उसी चीज पर कब्जा कर सकते हैं जो 100 रुपयों से कम कीमत की है। कोई चीज 100 रुपये की है तो हम 125 रुपये देकर उस चीज पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान को किसी योग्यता से खरीदेंगे तो उस योग्यता से कमजोर भगवान ही मिलेंगे। अतः ये विरक्त हैं, ये त्यागी हैं, ये विद्वान हैं, ये बड़े हैं, इनको भगवान मिलेंगे, हमारे को नहीं मिलेंगे। यह धारणा बिल्कुल गलत है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, ध्यान से सुने, अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, उनके बिना रह न सको, तो बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े विरक्त तो रोते रहेंगे, पहले आपको भगवान मिलेंगे। आप भगवान के बिना रह नहीं सकोगे तो भगवान भी आपके बिना नहीं रह सकेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।